नमस्कार किसान मित्रों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये नर्सरी जो देख रहे हैं, मैं मच्छरदानी से घेरा हुआ है और इसके अंदर में देख सकते हैं ये कितना सुंदर और कितना परफेक्ट है। तो मच्छरदानी से क्यों घेरना चाहिए, ये सभी कारण को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए कम्प्लीटली देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटा को ऑन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक शेयर करें। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहिए कि नर्सरी को जो है वो उसे मच्छरदानी से क्यों घेरना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बाहर के मक्खी या कीटाणु होते हैं उसके अंदर जाके, यानी कि नर्सरी के अंदर जाकर अटैक ना करें। यहाँ कंप्लीट देख सकते हैं कि कहीं भी किसी कीड़ा का अटैक इसमें नहीं है और बात के जड़ से लेकर ऊपर तक कितना सुंदर से इसका कोमलता की बात की जाए, ये तो कंप्लीट हो चुका है। और ये नर्सरी मेरा तैयार हो चुका है, लगभग 15 से 17 दिन का है ये नर्सरी, और इसे मैं अगले दिन नर्सरी को दूसरे खेत में लगाऊंगा। तो उस वीडियो को मैं भी अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों को डिटेल्स मिल जाए कि कितने दूरी पर और कितने बीज करके लगाना है, यानी कि संपूर्ण आप लोगों को जानकारी उस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसान मित्र वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटा को ऑन कर ले ताकि जब भी मैं नॉलेजेबल वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए और आगे मैं बता देना चाहता हूँ कि नर्सरी का जो डालने की प्रक्रिया है आप लोगों को उसको भी डिटेल्स मिले, लेकिन मच्छरदानी को हमेशा जैसे आपको नर्सरी निकलने लगे तो मच्छरदानी को ढकें। नर्सरी तैयार करने तक और पौधा लगाने तक, यानी सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान।